साई राम बच्चों बच्चों, पिछली बार हमने एसे टू का रिवीजन स्टार्ट किया था, वो था पार्ट वन। अब ये है पार्ट टू। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न छठा पर। यहाँ पर आपको अक्षरों को देखकर अंक चुनना है, नंबर नेम्स दिए रहेंगे और आपको करेक्ट नंबर चूज करना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये है, बताइए, एक। अब इन तीन ऑप्शन में से आप चूज कीजिए एक कहाँ लिखा है। पहले तो है एक, फिर है नौ, फिर है सात। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है बताइए बच्चों। ये है पहला ऑप्शन सही है। तो आप क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसी तरह से आपको आगे के प्रश्न करने हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ लिखा है दो। अब देखिए, चार और तीन ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर है चार, आठ और दो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला। तो हम लास्ट वाले को क्लिक करेंगे, दो। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रश्न में दिया है तीन। तो आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है छः, दूसरा है तीन, तीसरा है सात। तो बताइए बच्चों कौन सा वाला सही है, बताइए। सेकंड वाला सही है, तीन। इसी तरह आपको आगे के प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, चार, और आपको तीन ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर देखिए, चार कहाँ लिखा है, पहले तो लिखा है तीन, फिर है चार, और फिर है पांच। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बताइए बच्चों, दूसरा वाला। तो इसको हम क्लिक करेंगे, चार। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। प्रश्न में कौन सा क्या है अक्षर, सात। अब तीन ऑप्शन देखिए, नौ, सात, एक। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हुआ बताइए, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, सात। समझ में आया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द को चुनना है, यानी ऑपोजिट वर्ड्स। क्लिक ऑन द ऑपोजिट वर्ड्स। यहाँ देखिए, पहले है काला। काला का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों बताइए, काला का ऑपोजिट होगा सफेद। तो यहाँ पर तीन कलर दिया है, किसमें सफेद लिखा है देखिए, पहले है सफेद, नीला और पीला। अब बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो हम पहला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्योंकि काला का जो ऑपोजिट है वो है सफेद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हंसना, हंसना का ऑपोजिट क्या हुआ
बताइए बच्चों, रोना। तो यहाँ देखिए तीन ऑप्शन दिया है, गाना, रोना, सुनना। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन सही है। तो बच्चों हम क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन को, रोना। तो इसको हम क्लिक करेंगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऊपर, 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 ऊपर का ऑपोजिट होगा नीचे। तो देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, नीचे, नीच, नीचा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बताइए बच्चों। पहला वाला, ऊपर का ऑपोजिट है नीचे। तो इसको हम क्लिक करेंगे। अब बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न है दिन। दिन का ऑपोजिट क्या है, रात। पर आप देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, सुबह, शाम, रात। तो बच्चों हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, रात वाला, थर्ड वाला। तो चलिए इसको हम टिक करते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, एक और ऑपोजिट लेते हैं, ये है मोटा। मोटा का ऑपोजिट क्या हुआ, पतला। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए, ध्यान से देखिए, पताला, पतला, पातला। सही ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड वाला। तो बच्चों हम सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए पतला। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये है वचन बदलिए। ये टीचर ने आपको पहले भी सिखाया है, सिंगुलर और प्लोरल। एक वचन मतलब एक, एक का अनेक। अब बच्चों चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे हम करेंगे। घोड़ा, जब हम घोड़ा बोलते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, एक घोड़ा। और अनेक वचन में क्या होगा, एक वचन और अनेक, एक वचन घोड़ा हुआ, तो घोड़ा का अनेक वचन हुआ घोड़े। क्या हुआ, घोड़े। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखिए कहाँ घोड़े लिखा है, घोड़े। पहला वाला घोड़े, घाड़े, घड़ा। तो बच्चों हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, हम करेंगे पहला ऑप्शन क्लिक, क्योंकि ये है घोड़े। घोड़ा एक वचन, घोड़े अनेक वचन। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ताला, ताला यानि एक वचन, एक ताला। अनेक वचन क्या होगा, ताले। क्या होगा, ताले, ताला, ताले। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा है तोला, ताली, और लास्ट में लिखा है ताले। तो बच्चों कौन सा सही ऑप्शन है, अनेक वचन ताला का, थर्ड वन, ताले। समझ में आया बच्चों, इस तरह से ध्यान से रिवीजन भी देखते जाइए। अब तीसरा लेते हैं थैला, एक थैला। अब इसका अनेक वचन होगा थैले। क्या होगा, थैले, थैला का, थैला एक वचन है, इसका अनेक वचन होगा थैले।
पर आप तीनों ऑप्शन चेक कीजिए, थैली, थाली, थैले। तो बताइए बच्चों कौन सा वाला सही है? लास्ट वाला, थैले। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान से देखना है कौन सा वर्ड सही है और उसको टिक करना है। बच्चा, बच्चा यानी एक बच्चा, तो अनेक वचन क्या होगा? बच्चे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है बाचा, बच्चे, बच्चू। इन तीनों में से कौन सा सही है? सेकेंड ऑप्शन सही है। तो बच्चों हम सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बच्चा एक वचन, बच्चे अनेक वचन। इसी तरह से बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 9 पे। लिंग पहचानिए, क्लिक द करेक्ट जेंडर। देखिए ये कौन है? आदमी। देखिए क्वेश्चन में लिखा है आदमी, आदमी का, आदमी पुल्लिंग हुआ तो आदमी का स्त्रीलिंग क्या हुआ? औरत। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? औरत, आरत, आरती। तो बताइए बच्चों कौन सा सही ऑप्शन है? सही ऑप्शन है औरत, पहला वाला, क्योंकि औरत स्त्रीलिंग है, आदमी पुल्लिंग है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये कौन है? प्रश्न में है मोर। मोर की स्त्रीलिंग होगी मोरनी। तो देखिए मोरनी कहाँ है? पहला मोरनी, मोरा, मारा। सही ऑप्शन क्या हुआ बच्चों? पहला वाला ऑप्शन सही है, मोर का स्त्रीलिंग हुआ मोरनी। तो बच्चों हमने मोरनी को क्लिक किया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन में है गाय। क्या है? गाय। गाय स्त्रीलिंग है, तो गाय का पुल्लिंग क्या होगा? बैल। क्या होगा? बैल। पहला है बल, बाला और बैल। तो बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला, बैल। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए चाचा। चाचा का ऑपोजिट हुआ क्या? हुआ चाचा का ऑपोजिट चाचा। चाचा का ऑपोजिट हुआ चाची। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? चचा, चाची, चूचा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो बच्चों हम सेकंड ऑप्शन जहाँ चाची लिखा है उसको हम क्लिक करेंगे। ओके अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए ये कौन है? प्रश्न में देखिए, प्रश्न में है पिता। पिता का ऑपोजिट हुआ माता। आप देखिए
ऑप्शन को सही ढंग से पढ़िए। माँ, माता, मीता, कौन सा ऑप्शन सही है? माता, दूसरा वाला। तो बच्चों हम दूसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे, माता। तो बच्चों इस तरह से हमारा रिवीजन पार्ट 2 पूरा हो गया। अब आपको घर पर रिवाइज करना है, जितने भी वीडियोस दिए हैं, नोट्स दिए हैं, सब आपको रिवाइज करना है और SA2 की तैयारी करनी है।